पार्टनर दिया, हो सकता है कि हम दुराचारी, हो सकता है कि हम इसको विवाद से नहीं मालूम कर सकते, इसमें हो सकता है, किंतु गुरु जी ने दिया है और वो प्रस्थान हो सकता है कि मरुभूमि हो और धीरे धीरे हरी कथा के माध्यम से उसमें वो हरी कथा रूपी जल का सिंचन कर रहे थे। और उसमें एक श्रद्धा भी है, हमारे ये गुरु जी हैं, कृष्ण ही हमारे पास है, राधा कृष्ण हमारे पास है, हम चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के पथ पर चलना चाहते हैं किंतु हमारी दुर्बलता से नहीं चल पाते हैं, ये दूसरी बात है। वही जो श्रद्धा है वो भक्ति हमारे हृदय में है, इसलिए हम नहीं कर सकते कि हमारे हृदय में भक्ति है। यदि कहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये गुरु की अवहेलना होगी, इसलिए हम कहेंगे कि गुरु जी ने हमारे हृदय चेष्टा करके भक्ति की आरोपण किया है, अब उसको हम रक्षा नहीं कर पाते, यह हमारा दोष है। यदि इतना भी समझते हैं तो ये भक्ति श्रद्धा है हमारे, और ये धीरे 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 भक्ति लता जैसे कि ब्रह्मांड भेदी और आशाबंधी का यह प्रथम शिक्षा है, आशाबंध क्या कृष्ण मिलेंगे जरूर। गुरु जी ने यह आशा हमको दिया ही नहीं, अवश्य दिया जरूर, जब तक तुम पार नहीं होगा तब तक तुमको पार करने के लिए हम बार बार आएंगे, ये कि हमने शास्त्र में सुना है। जब इतना बुद्धि का आश्वास और सर्व धर्म प्रत्यक्ष मामले कम शरण ब्रज अहम काम सर्व पाप मोक्षामी मान सकता, यदि कृष्ण ने ऐसा यदि कहा है, सब धर्म हम छोड़ करके आ रहे हैं अपना, और कृष्ण की शरणागत हम हुए और कृष्ण को यह देखना है कि उसकी शरणागति हम कैसे ले लें, यह कृष्ण पर डिपेंड करता है। तो कृष्ण इतने ऐसे नहीं है जो हमें शरण में शरण दे, हो सकता है कि हमें शुद्ध करने में देरी हो, किंतु शरण जरूर हमने जिस दिन आपने आश्रय लिया वो जरूर, भले किसी दुर्बलता से हम कुछ नीचे चले जाएंगे तभी कोई फर्ज नहीं है, पीछे वो मायावादी और दूसरों लोगों से मानता कोटि गुना सुंदर है। अभी चेतु दुराचार भजते माम अनंत भाव, यदि हम अनंत होकर के कृष्ण का ही भजन करते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त हम कुछ दूसरों को नहीं जानते हैं, जब इतना हो गया तो इसे दुर्बलता है, सुदाचार दुराचार व्यभिचार कुछ दोष हो, अनर्थ भी हो, अपराध भी हो, मैं समझता हूं जरूर वो भक्ति देवी ही जिसका हमने आश्रय दिया है जरूर हमारे सिद्धांत में चली जाए, हो सकता है कुछ भी लंबू हो, किंतु ये नहीं कर सकते कि भक्ति नहीं, इसलिए आशा रामचंद्र और आई टोल्ड इन हिंदी और दैट यू कैन कम After informing us very, very vividly that what Maharaj has given us during this parikrama, he has come to a point to install a strong feeling in our heart that what should we think about ourselves, especially when we have accepted a bona fide guru. Maharaj is saying that when we accept a guru and accept Diksha mantra from him, this is sure that he has sown a seed of desire to serve Krishna in our heart. When this seed has implanted in our heart, it is bound to give effect. The Shraddha Bhakti will crop up from our heart. It is sure. We should be very much confirmed and sure about this thing. But if we say we don't have any Bhakti in our heart,
My heart is absolutely dry. I have no bhakti at all. Then it will be a sort of rejecting our guru's activity. It will be aparad. It will be offense at the lotus feet of our guru, or not believing that he has given and he has implanted the seed of bhakti in our heart. It may be possible that our heart is barren. It may be possible that because of certain misdeeds, anarth and habitual bad habits, the world Maharaj is using Hirde Dorbande. Progress of bhakti may be slow, but it will be sure. We should be very much sure about it. Maharaj is quoting one word, Ashaband. What does it mean by Ashaband? Ashaband means that we have hope. And it is not hoping against hope. We have positive hope that sometime Krishna will positively shower his mercy on us. This means Ashaband. Tad dharmana paritajya mam ekam charanam braj. Krishna says in his statement that if we have given up all our other religion in our life and accepted strongly only Krishna in this state, Krishna says, Ma Sucha, you don't be worried. Aham tava sarve papebhyo mokshishyami. I will positively vanish your all the sinful activities. And what he will do? He will bring all of us to him. This is an assurance being given by Lord to us. When Guru accepts as disciple, our scripture says that bona fide Guru says, I will come again and again unless I will deliver my disciple. This is assurance of the bona fide Guru. So, if we say that probably I will not be delivered, I will not get Krishna praise, I don't have any Krishna praise, that it will be an offense at the lotus feet of our Guru. Or we are not believing and accepting his potentiality and bona fide. It may be possible that because of our mistakes, it may take some more time, but it will be surely done. Maharaj is saying in his last sentence that when we have accepted unalloyed devotion for Krishna and we have stopped worshipping of any other demigods and other personalities, then this bhakti itself is potent enough to deliver the living. Or example, a jasmine tree ki main bata raha hu. Hamare gurudev ji ne ya kisi vyakti ne hame 5 rupya diya. Take a $1, anyone. And if he was denying that he has not given anything, then what is it? Ungrateful. Anyone has given only one thing. I am denying that I have not received anything from you. Or anyone. This is not. So if Gurudev has planted this and we are denying, that way he has not given anything, we are known. So you should have a very strong faith.
विश्वास के साथ में यदि देखकर के जाएंगे कि हमने जो हरी कथा सुनी, ये पशुओं के मुख से वृंदावन धाम में ब्रज मंडल में ये हमारी वैधानिक संपत्ति है, बट देयर फॉर हियर एंड मेन टू ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेरी हाई क्लासेस ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण एंड वी हर्ड सो मच हरी कथा. So, we should think ourselves so far and think all these things with you. This is your very high kind of wealth. And you should try to protect it. You should save it. And protect it. Very carefully. And you will see that in no time, very quickly, you will advance in this course. Don't be hopeless at any time. Never be hopeless. Asabhanda. Samutkantha. Namdhan. Yes, this is look to be taken in your ear throat. सारी व्यवस्थाएं करते हैं, आरती करते हैं, जस्ट ऑल्सो ट्राई टू
तो हम लोगों को इस तरह से इसको ग्रहण करना है, इसको नहीं छोड़ना है. We are not going to give up all this. But for whole life, we should take a very strong vow that I will do one. You can only give up friendship and love and all other things. Now you can offer to Krishna all these things and was respected. And you can take it. Radha-ramandara-satam, Nandana-sundara-satam, Guru-vandana, and all we are doing, you should try to follow. Hope yes, you can do. You cannot do if you not daily, but you can do. But all the practices that Guru-vandana, Vaishnava-vandana, ye sab cheeze aap sab ko palan karega. Now, when our classes will be done, Parikrama will be done, you can now give up your prayers and everything, if you like. You can say, you can give up your health and everything. But I think that before taking today, which we are, which we are restricted, you try to do pranam. You should do worship of your Guru, Vaishnava, Tulasi, Radha Krishna, Vaishnava, Gauri Chandra, Vrindavan, Dham, and then take some. Satisfy all of them. Especially Vaishnava by Guru Vashti, Guru and Vaishnava. We have completed our this Dhamma Sarvar. Dhamma Sarvar ko jis kripa se humne purna kiya hai, un Guru aur Vaishnava ko Jatha Uchi aur Radha Kiran Bihari ji, Chaitanya Mahaprabhu ji, unke parikar ko सबको यथाकुल सम्मान और आदर करके उनका अर्चन वंदन करके तब भी प्रसाद परिप्रेमानंद जी के भंडार में अभी प्रस्तुत है वो देने के लिए. बट आई थिंक इट इज बेटर टू प्रणाम यू शुड ऑनर ऑल एंड देन तब ये कंप्लीट होगा. 10 बजे टिकट में हम लोगों का यहाँ पर यज्ञ होगा, हवन यज्ञ होगा, तो नाम टीका उसमें कुछ लोगों का हरे नाम इत्यादि होगा हुआ है, उन लोगों को भी दिया जाएगा कि तुम्हारी पद समाप्ति का पूर्ण आरती होगा. यू शुड ऑल ट्राई टू गिव वन वन आरती एंड पार्ट आरती दैट पार्ट आरती हार्ट टू कृष्णा टू गुरु टू वैष्णव टू राधा टू गुरु परमात्मा. And if it is given, swaha, swaha mane, swaha mane myself, main, ha mane arpan karna, aaj main apne ko arpan karna, kisko, Krishna ko, Guru ko, Vaishnava ko, phir dena nahi, nikalna mat. Ye sudha ko arpan karna, swaha. This is devotion. I am putting offering in swaha. There are two things. In fire you should read your all what you desire. Offensive, unearth. And through fire to Krishna, Guru Hari, Guru Vaishnava, you should give yourself. This is Purnahuti. This is Darshan Purnahuti. भाषण कीजिए क्या अपने अनर्थ को यू शुड गिव अप इन फायर फॉर एवर योर ऑल ऑफेंसेस एवरीथिंग एंड ट्राई टू सी दैट आई एम नाउ ओके.
भक्तियां नहीं करते ऐसा मत करना। तो यू शुड नॉट रियलाइज अगेन दैट आई हैव नो भक्ति। हम लोग इसके बाद में गणेश जी का जरूर होगा
कड़े और परवा चौथ करे बिना तो मथुरा दास की मनी नहीं गई। जब तू करे इधर और परवा चौथ मनाने के लिए गोवर्धन की परिक्रमा भी नहीं जाएंगे और नहीं माना शिष्टी में बोली हमारी बात को तो पालन करना चाहिए। यहाँ पर श्रीमान के कृष्ण संसार और कृष्ण का संसार में निहस्त हो पक्का। अरे 12 वर्ष में तो एक युग हो गया तो एक युग में भी खुद तो थोड़ा इतना तो चलो कह तो हम काटे काटे तक जन्म पर आभासी भक्त करो नहीं मानते हैं नहीं क्या ये लोग मान जाएंगे विदेशी भक्त देखा मत दे दे कन्वर्ट किधर टेस्टोल क्या क्या उनके लिए स्टॉली वहां से हमको दिए हैं परिक्रमा में अधिक से अधिक कोई 3000 रुपया कितना और बताओ जैसे लोग बट नॉट हो एंड फिर बट आई थिंक दे आर गिवन टू अस डॉलर 300 1000 and 1000 more than 1000 to stop. So that is why Shuddha Bhakti will be. So you should think, if you want to do Shuddha Bhakti, you will have to lay a strong faith on Krishna name. Jari Krishna name, but itna vishwas nahi hai, Guruji ke bachan mein itna vishwas nahi hai, to prem ki aasha kaise karte ho? Prem ki aasha aasha hai. Dur aasha hai. इसलिए इन चीजों को लौकिक चीजों को छोड़ो और शुद्ध रूप में भक्ति करो जैसा कि इसमें कहा गया है अन्न पिला पिला तुम्न ज्ञान प्रमत ज्ञान अवतम अनुकूल ने कृष्ण अनुसूचन भक्ति आई हैव एक्सप्लेन दिस इज लोग सो इट हैज थ्री स्टेजेस सभी इसका पालन करेंगे तो एक ही बराबर फल नहीं होगा। Those who are following this slow, the fruit is not same when it is again. This is slow. Anna Vilasita, Jnan Karma Arjana, Anfulli in the Krishna Nushira Dhamma. If you are totally following, then it will be Uttama Bhakti. Otherwise not. Uttama Bhakti means Prima Bhakti. But if you are not doing that samishya, anna vilasita and jnana parmati, then at first it may be called sadhana. Sadhana. And gradually, but this is low form. And after that, when anant we go, aparat we go, then and sutta sattva we come. From Radhakrish Bhakta in our heart, then it will cause bhava. And then there will be Vastu Siddhi. Jab Vastu Siddhi hoga to usko kehte hain. Abhi wahin tak samapt nahi ho gaya. Prema Bhakti mode se. Isliye Purushottama Bhakti mein mahabhav tak samjho. Beginning from anarth avastha. Bhakti seed is behind you. From there. And up to Mahabhavastha, all are in Uttama Bhakti. But Uttama from brain and before that bhava and before that. But in Sadhan Bhakti kisko karte hain? Isi shlok ko jab karenge. Jab apne bahya indriyon ke dwara jab karenge. Kriti, Kriti Shastra Bhava, भवेत साध भावात् सत्ता नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकटम रीति शास्त्र नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमी नित्य सिद्ध उत्तम भक्ति नित्य सिद्ध वेन यू आर फॉलोइंग दिस भक्ति बाय अवर सेंस बाय माइंड देन इट इज कॉल्ड साध एंड वेन गेटिंग आउट ऑफ By who? And it is controlled by only half, then it is called power.
भक्ति विल प्री उसके लिए प्रेम प्रेम भक्ति के लिए जब उद्देश्य करे जो भाव तब तो उसको कहेंगे भाव। इसे साधन का लक्षण यह है कृति साध्या अवैध साधन भाव स्वसाधा मित्र सिद्ध भाव प्राण डेफिनेशन क्या है सुंदर सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुख जान शांत भाव रुचवी रुचवी चिंतन आसन कृदा भाव और प्रेम सपना तो शांत भाव सहयोग शांत आत्मा तो विविध आज समय हो गया है तक बहुत से लोग अभी दामोदर मंदिर में जाएंगे प्रणाम करके वहीं से आरंभ किया था जमुना जी से आरंभ किया था। आप लोग जमुना में भी आचमन करने जा सकते हैं राणा दामोदर जी की कम से कम परिक्रमा कर लेंगे और फिर यहाँ आ करके अपना ये सब छोड़ करके सेवा इत्यादि करा करके फिर हवन में आप लोग भाग लीजिए और वैष्णव को प्रसाद दे करके